Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Subject है आपका computer engineering. First of all, I would like to say that keep your mobile at least 25 centimeter from your eyes. Dear students, अगर आपको computer subject में कोई भी परेशानी आ रही है आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं. अगर किसी स्टूडेंट का काम भी कंप्लीट नहीं है तो वह भी मुझसे हेल्प ले सकता है, जिससे कि आप अपना काम पूरा कर लें और उसको याद करें. जिसमें और जैसे भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं थर्सडे में और फ्राइडे में, आपको आपके गार्जियन की एंसर कॉपी भेजनी है चेकिंग के लिए. इसके लिए आपको इधर से नहीं आना है. हमारा चैप्टर का नाम था कंप्यूटर मेमोरी. एज वी ऑल नो, मेमोरी क्या होती है? मेमोरी कंप्यूटर का वह स्थान होता है जहाँ पर किसी भी यूजर के द्वारा कोई भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं जिनको कंप्यूटर स्टोर करता है, सेव करता है, जिससे कि हम उस काम को इन फ्यूचर यूज कर सकें. इससे हमारे टाइम की सेविंग भी होती है. बात करते हैं कि सबकी पूर्ति कीजिए. हार्ड डिस्क की संग्रह क्षमता 20 एमबी से 40 जीबी तक होती है. देखिए हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी है जो कि सीपीयू के अंदर फिक्स रहती है. इसमें आप जो इंटरनल स्टोरेज है उसे कई गुना डाटा से कर सकते हैं. सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी में डाटा सीडी रोम फाइल के द्वारा स्टोर होता है. फ्लॉपी डिस्क 3x1/2 / 5x1/4 इसके आकार में होती है. देखिए फ्लॉपी डिस्क भी आपकी एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है ना. इसका प्रयोग आपसे 20-25 साल पहले किया जाता था. इसमें क्या होता था, यह प्लास्टिक की बनी होती थी जिसमें आपके मेटल ऑक्साइड एक पदार्थ लगा होता था जिसमें आप डाटा को सेव करते थे. जैसे आपकी चिप होती है, छोटी होती है लेकिन स्क्वायर शेप में होती है, ठीक यह भी उसी शेप में होती थी, स्क्वायर शेप में जो कि प्लास्टिक की बनी होती थी. इसका काम होता था कि जो आपका डाटा है आप उसको ट्रांसफर कर सकते थे फ्रॉम वन पर्सन टू. कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी का मुख्य कार्य होता है. ऐसी कौन लो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी. जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसी को मेन मेमोरी कहते हैं, ये बोलते हैं इसको प्राथमिक मेमोरी. रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है. रोम किसका पार्ट है? रोम पार्ट होता है प्राथमिक मेमोरी का और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी. इसमें हम केवल डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते. और इसमें दिए गए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपके सेव रहते हैं, उसका कोई चेंजेस नहीं कर सकते. द्वितीय, द्वितीय को बोलते हम लोग सेकेंडरी मेमोरी. प्राथमिक मेमोरी की तुलना में सस्ती तथा स्थायी होती है. जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा है थोड़ी चीप भी होती है और स्थायी भी होती है, जिसमें आप डाटा अधिक से अधिक स्टोर कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दैट ऑल दिस वर्क. आज के लिए इतना ही है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.